नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने पथरी की एक अचूक और परीक्षित योग लाया हूं। जो आप लोग इसका उपयोग करेंगे तो काफी लाभान्वित होंगे। ये योग केवल उस पथरी के लिए है जो हमारे किडनी में पाई जाती है, यूरेटर में पाई जाती है या यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती है। ये पित्त की थैली के लिए योग नहीं है, ठीक ना? तो आप ये मत कहिएगा कभी कि जो है ये सभी पथरी को बाहर निकालता, नहीं। ये केवल हमारे यूरिनरी आर्गन में पाई जाने वाली पथरी को बाहर निकालता है। तो मैं आप लोगों को परिचय कराता हूँ एक एक औषधि से। पहले आप लोग देख लीजिए ये मैं औषधि लगाया हूँ और औषधि कैसे बनानी है, कैसे क्या करना है, मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। चलिए मैं एक एक से परिचय कराता हूँ। ये देखिए, पहली औषधि हमारी जो है इसे हम लोग गिलोय कहते हैं, ठीक ना? अमृता गिलोय गुरुची, ठीक ना? इसको ले लेना है 8 ग्राम। कितना लेना है? 8 ग्राम, ठीक है। दूसरा है, इसे कहते हैं पित्त पापड़ा, ठीक ना? ये पित्त पापड़ा का बीज है, इसको हमको लेना है 8 ग्राम। कितना लेना है? 8 ग्राम। तीसरा पुनर्नवा है। क्या है? पुनर्नवा, इसको भी लेना है 8 ग्राम। चौथा जो है ये छोटा गोखरू है। क्या है ये? छोटा गोखरू, ये भी लेना है 8 ग्राम। और नेक्स्ट जो है ये है वरुण की छाल, ठीक ना? क्या है? वरुण की छाल है, इसको अच्छे से कूट के छोटा करके, और इसको भी लेना है संभाग यानी 8 ग्राम, ठीक है। और नेक्स्ट है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं पाषाण, ठीक ना? पाषाण भेद, यानी जो पत्थर को भी भेद देता है, ठीक ना? इसको कहते हैं पाषाण भेद, और ये पाषाण भेद का स्टेम है, तना है, इसको भी लेना है 8 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है ये मकोय का पंचांग है, यानी मकोय की जड़, तना, पत्ती, फल और फूल, ठीक ना? सब कुछ है, इसे मकोय पंचांग कहते हैं, ये भी लेना है 8 ग्राम। इन सब औषधियों को 8-8 ग्राम यानी संभाग में लेकर इसका काढ़ा बना के, काढ़े को सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट पीने से पथरी जो है कहीं अगर किडनी में फंसी है या यूरेटर में फंसी है या यूरिनरी ब्लैडर में है वो आसानी से निकल जाती है। अगर आप लोगों को नुस्खा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और उपयोग करके जिनको भी पथरी हो एक बार जरूर देखेगा, उनको 100% निश्चित लाभ होगा। और योग परीक्षित है, हमारे गुरु द्वारा बताया गया योग है। इसमें एक और अगर कोई दिक्कत और भी आती है तो इसमें एक और मेडिसिन मिलाते हैं जो भस्म होती है। अगर किसी को दिक्कत होगी तो हमसे कांटेक्ट करेगा, हम उस भस्म को बता देंगे। उस भस्म से अगर पेशाब में ब्लीडिंग हो रही है तो भी रुक जाती है। उस भस्म को हम इस वीडियो में नहीं बता सकते हैं, जिसको अगर जानना होगा तो कमेंट करेगा, मैं उसको जरूर बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।